हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फायर इंश्योरेंस में भी हम लोग नेक्स्ट टाइप का सम कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग सम है, राइट? तो FY, SY अलग अलग सब स्ट्रीम में मिलेगा तुमको। तो बेसिकली सम में यही देखने का कि गुड्स को आग लग गई है, नुकसान हो गया है, तो कितना क्लेम मिलेगा, राइट? तो इसके लिए पहले अभी अपनों को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। दो ट्रेडिंग बनेगा, तो ये पहले नॉर्मल अखा साल का ट्रेडिंग बनेगा। और आग कब लगेगी? 5 जून को। मतलब आग 1 तारीख को नहीं लगती ना यार, एक डेट रहता है। तो 5 जून को आग लगी 2017। इन्फॉर्मेशन 2016 का दिया है, तो 16 से 17 अखा साल हो गया तुम्हारा, राइट? तो ये जो 2016 है ना, 2016 से लेके 17, एक पूरा अखा साल हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। फिर जब 2017 चालू हुआ ना, तो 17 अप्रैल मई जून जून के 5 तारीख को आग लगा। तो 3 महीने का हिसाब को बोलेंगे मेमोरेंडम अकाउंट। तो पहले पूरा साल भर का इन्फॉर्मेशन सॉल्व करते, ओके? तो इधर दिया है 2016 और इधर 2017 दिया है। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है, तो अमाउंट को कॉपी पेस्ट करना है। ना अबव कॉस्ट बोला, ना बिलो कॉस्ट बोला, तो चेंज नहीं करना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 75,000। इधर लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक 75,000, ओके, सिंपल। फिर परचेज देखो, दो अमाउंट दिया है, एक साल भर का दिया है और एक 3 महीने का दिया है। तो जो साल भर वाला है ना, दैट इज़ 2,30,000, वो लिखेंगे, और जो 2-3 महीना वो यहाँ लिखेंगे ना। तो परचेज का अमाउंट दिया है 2,30,000, ओके, परचेज 2,30,000। फिर उसके बाद बोला है परचेज, ये अभी हम लोग बाद में लिखेंगे, 23,000। फिर सेल्स दिया, देखो दो सेल्स दिया, एक साल भर का दिया है और एक 2-3 महीने का दिया। तो साल भर का सेल कितना दिया? 3,60,000। तो 3,60,000 इधर लिखेंगे, सिंपल। फिर इसके बाद बोला है क्लोजिंग स्टॉक है ना, मतलब ये ओपनिंग डेट था 2017 क्लोजिंग डेट, तो वही साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देंगे इधर। फिर इस बार वेजेस बोला है, दो वेजेस दिए हैं। वेजेस तो ट्रेडिंग का डेबिट में आता है, एक साल भर का दिया और 2-3 महीने का दिया। तो जो साल भर का है ना, 21,400, वो इधर आ जाएगा, ओके, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अभी बैलेंस करेंगे ना, तो अपने को क्या मिलेगा इधर? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा इधर अपने को? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, राइट? तो बैलेंस में क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ये टोटल से टोटल क्या करना है? माइनस करना। जब इसको जोड़ेंगे तो 4,20,000 आ रहे हैं, ये ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है? तो 4,20,000 को दोनों तरफ लिखेंगे, और 4,20,000 से क्या करेंगे, ये तीनों माइनस करेंगे। ये टोटल से ये टोटल माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तुमको ना, तो इधर मैं लिख दूंगा, राइट? तो 4,20,000 में से तीनों माइनस कर देंगे तो 93,600 आ रहा है, ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वी विल फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो क्या फाइंड करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, है ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना अपने पास? 93,600, और सेल्स कितना है? 3,60,000। सेल्स कितना? 3,60,000 इंटू क्या करेंगे? 100। जब इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे, 93,600 डिवाइड बाई 3,60,000, है ना, परसेंटेज दबा देंगे, दैट इज़ 26%। तो उन लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट है 26%, मतलब 26% के हिसाब से उन लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ट्रेड ये नॉर्मल अखा साल का ट्रेडिंग अकाउंट से तुमको जीपी रेशियो मिलेगा, वो जीपी रेशियो यहाँ काम आने वाला है। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इधर आके क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। जैसे साल खत्म हुआ 31 मार्च 2017 का, 1 अप्रैल आया, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने के बाद आग लग गई ना वही। तो फिर 3 महीने का आग लगेगा हिसाब मेमोरेंडम में बनेगा। कहाँ बनेगा? मेमोरेंडम अकाउंट में। तो ये क्लोजिंग इधर के ओपनिंग बनेगा। अभी अपने को फिर से देखने का परचेस। तो इधर देखो, एक परचेस दिया ना 5 तारीख का, तो जो भी 5 तारीख डेट में फायर हुआ ना, वो मेमोरेंडम में जाएगा। तो कितना परचेस किया था 2-3 महीने में? 23,000। तो इधर 23,000 लिखेंगे। फिर इसके बाद सेल्स दिया है 1,45,000, कितना सेल्स किया? 36,000, इधर सेल्स लिख देंगे, सिंपल। फिर उसके बाद बोला है वेजेस, तो पहला वाला तो लिख दिया था, ये 5 तारीख वाला जो भी है वेजेस 5,200, इधर आ जाएगा वेजेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 26% ना, तो इधर लिखेंगे 26% ऑन सेल। मतलब 2-3 महीने का तो कितना स्टॉक को आग लगा वो ढूंढना है अभी, इधर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे कितना परसेंट? 26% जो हमने निकाला है। तो 26% किस पे निकालेंगे? सेल्स पे निकालेंगे। एज्यूम करें कि अभी भी ग्रॉस प्रॉफिट 26% हो सकता है वो बेस पे, एवरेज क्लॉस। तो 26% निकाला तो कितना हुआ? 93,600। तो ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 93,600, है ना। इसके ऊपर कितना परसेंट निकाल दिया? 26% निकाल दिया, राइट? वापस से निकालता हूँ, 36,000 है, इसके ऊपर 26%, तो 9,360 है, 1,0 ज़्यादा लिख दिया था हमने, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे ना अपने को, तो क्या मिलेगा मालूम है अपने को? यह वाला अमाउंट मिलेगा जिस दिन में आग लग गई थी। तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा, 60,000, 23,000, 5,200, 9,000, तो हो जाएगा 97,560। इधर भी लिखेंगे 97,560 में से 36,000 माइनस कर देंगे, तो अपने को मिलेगा 61,560। तो ये अमाउंट को क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। द स्टॉक वॉज ऑन दैट फायर, ये स्टॉक को पूरा आग लग गया,
तो आग लगा तो हमने क्या किया, खाली नहीं बेटा, तो हमने क्या किया, पानी डाल के आग को कैसे भी करके बुझाने की कोशिश की, राइट। तो इधर दिया है सेल्वेज, स्टॉक को बचाया, 3200 स्टॉक को बचाया और 1640 रुपये फायर फाइटिंग एक्सपेंस में खर्चा भी किया है। तो फिर हमारा टोटल नुकसान कितना हो गया, तो सबसे पहले क्लोथिंग स्टॉक लिखेंगे जिसको आग लग गई, तो आग लगने वाले का अमाउंट कितना था, 61560, ओके। और ऊपर से हमने क्या किया, खर्चा भी किया ना, कितना एक्सपेंस किया फायर फाइटिंग के लिए, 1640, वो खर्चा ऐड कर देंगे। और हमने स्टॉक को बचाया, इतने रुपये स्टॉक को बचाया, तो जो स्टॉक को बचाया इसको सेल्वेज बोलेंगे, वो माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अपने को लॉस मिलेगा, क्या मिलेगा, लॉस, मतलब इतने का स्टॉक का नुकसान हो गया। तो क्या क्या है, 61560 का क्लोजिंग स्टॉक था, 1640 का फायर फाइटिंग सर्विस था और 3200 माइनस करेंगे, राइट। वापस से सॉल्व करता हूँ, 61560 का अपना स्टॉक था जिस पे फायर फाइटिंग सर्विस किया और ये माइनस कर देंगे 3200 सेल्वेज, तो हमारा लॉस हुआ कुल मिला के 60,000। कितना लॉस हो गया अपना, 60,000, है ना, इतना लॉस हो गया। अभी हम लोग ये निकालेंगे क्लेम, तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कितना रुपये क्लेम करेंगे, तो इधर पॉलिसी दिया रहेगा क्वेश्चन में, इंश्योरेंस से सम एश्योर्ड, कितने का इंश्योरेंस लिया था, 60,000, एश्योर्ड मतलब पॉलिसी 60,000 का लिया था, तो पॉलिसी ऊपर लिखेंगे। और लॉस कितने का हुआ था मालूम है, अपना लॉस भी 60,000 का हुआ, लॉस भी कितना का हुआ, 60,000, वो मल्टीप्लाई करेंगे क्लोथिंग स्टॉक, और टोटल स्टॉक कितने का था, 61560, स्टॉक की कीमत कितनी थी, 61560। ये फॉर्मूला कैसे याद करना पड़ेगा तुमको, ये देखो, तो क्लोथिंग स्टॉक कितने का स्टॉक था जो बड़ा वैल्यू नीचे आएगा, कितने का पॉलिसी लिया ऊपर आएगा, और कितना का लॉस हो यह आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो घुमा देना, 58480 RF सपोज, तो इतना रुपया हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगा, मतलब क्लेम पे करेगा हम लोग को, इतना रुपया हमारा जो नुकसान हुआ था इतने का, कंपनी हमको इतना रुपया पे करेगा। तो इस तरह तुमको फायर इंश्योरेंस का सम सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी रेशियो बनाएंगे, फिर 3 महीने के हिसाब से क्लोथिंग स्टॉक ढूंढेंगे जिसको आग लग गया था, फिर लॉस निकालेंगे सेल्वेज माइनस करके, फिर क्लेम की फॉर्मूला में सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, और भी सम अपलोड किया मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से, ये बाजू वाला सम भी अपलोड इसके पहले मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।